हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और चादर है बिछाने के नीचे कुछ बिछा दो तो और भी लोग आएंगे तो बैठ जाएगा। चलो ऐसे आप लोग टेढ़ा बैठे तो उसमें अटेंशन नहीं दे पा रहे। सब जमीने में बैठ जाओ इजी पर कैमरा इधर कर इधर कर लो नेटअप तो इधर लोग बैठ पाएंगे तो फ्रंट एरिया यूज हो जाएगा इधर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हे सीताराम 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 हे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हे सीताराम 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 संकीर्तन जैसे होता है उसको कैसे करते हैं संकीर्तन साथ में कीर्तन कर रहे हैं तो एक आदमी इसको क्या करेगा लीड करेगा समझ रहे हैं मैं लीड कर रहा हूँ तो उस समय मैं गाऊंगा और आप लोग उस समय सुनेंगे ठीक है फिर मैं जिस ट्यून में गाऊंगा उसी में आपको ठीक है नहीं तो मैं ट्यून चेंज करूंगा और सब लोग गाएंगे तो ट्यून चेंज नहीं होगा समझ गए तो मैं जब गाऊंगा तो आपको सुनना है फिर आपको उसी ट्यून में गाना है। हाँ सीताराम 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 सीताराम
बोलिए। कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है, तो दो तरह की मालाएं होती हैं। एक होती कंठी माला, जिसको हम लोग गले में धारण करते हैं, और एक होती जप करने की माला। हाँ ले ले वहाँ से ले खोज के लाया। वाह, तुम तो जबरदस्त चीज कर दिया, अब तो मजा आ जाएगा। वो कहाँ गया झाल? झाल झाल करेंगे करेंगे झाल झाल हाँ सब लाओ भाई, मजा सब लाओ। मजा कैसे आया? इसीलिए हम कीर्तन मजे नहीं आ रहे। सब लेके आओ, जब तक तो कीर्तन में करता लेगा कुछ बैग में करताल उताल रहेगा तो मजा आएगा। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट से मजा आया था, ऐसे भाव नहीं आता। कीर्तन 5 मिनट के मरस से नहीं आ रहा था, इसमें थोड़ा सा रस आया था। तो दो तरह का माला होता है, कंठी माला और एक पहनने वाला, समझ रहे? तो कंठी माला गले में पहनते हैं और जप करने वाला माला गले पे। तो ये माला कंठी माला नहीं है, क्या है? जप करने वाला माला। इसको पहना नहीं जाता, पहन सकते हैं इमरजेंसी में, लेकिन कभी मान लो कहीं जा रहे हैं इमरजेंसी में, ठीक है, अदरवाइज इसको संभाल के रखना चाहिए। तभी मृदंग आ गया तभी अच्छा से कीर्तन होगा थोड़ा। कोई भी चीज के लिए माहौल चाहिए। कहाँ गया बेंजो? कोई दिक्कत नहीं, बेंजो है। नहीं, वो बोला वहाँ नहीं है।
कोई बात नहीं, जैसा है। गोपाल चंद बोल सकता है और 22 मिनट का बोला तूने बोला अभी सब डांस सीखने लगा हो किधर है आरसी में कार्यक्रम राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे तो बड़ा मजा आता है नाचते दौर में सब लोग खड़े हो जाइए नाच के अरे कृष्णा हरे कृष्णा ओ ज्ञाना अज्ञाना निरंदस्य निरंदस्य ज्ञानांजना ज्ञानांजना सलाकया सलाकया हरे कृष्ण हरे कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है अभी आ रही है प्रभु जी जन्माष्टमी में हम लोग जन्माष्टमी मतलब क्या भगवान श्री कृष्ण का जन्म भगवान का भी जन्म होता है कृष्ण रूप अवतार अवतार लिए भगवान तो जन्म क्या लेंगे भगवान का जन्म लेंगे मतलब नहीं मेरे को नहीं
तू ऐसा बैठा कि मेरे को फीलिंग नहीं आ रहा भाई, समझ रहे? तू ना ऐसा उल्टा पुल्टा बैठते है, फीलिंग आना चाहिए जैसे, समझ रहे? इधर तुम इधर इधर यहाँ पर कह सकते भगवान का जन्म हो सकता है। अब भगवान का जन्म हुआ है तो फिर उसके पहले सृष्टि कैसे चल रहा था? पहले सृष्टि आएगी, पहले भगवान, उसे सृष्टि आएगा ना, तो भगवान का जन्म अवतार किससे लिए? कहाँ से लिया अवतार? हाँ विष्णु कहाँ, तो विष्णु भगवान है कि नहीं? तो विष्णु कहाँ से आए? कृष्ण भगवान है ना, वो सबसे सुप्रीम, इनका फॉर्म है कृष्ण। ओरिजिनल कौन है, कैसे चलो? जन्माष्टमी मतलब क्या? जन्म भगवान का मनुष्य के रूप में अवतरित होके मनुष्य के रूप में धारण करके, तो उससे पहले नहीं थे भगवान? तो भगवान भगवान रूप में होंगे, तो मनुष्य रूप सही रूप नहीं है। ओरिजिनल भगवान रूप कौन सा है? बोले ना, देखो बोलने से सीखते हैं, गलती करें तभी तो सीखेंगे भाई, नहीं तो फिर आज आज लग रहा है हम जानते हैं लेकिन जानेंगे नहीं तो फ्यूचर में दिक्कत होगा ना, समझ रहे हैं? आज मान लीजिए हम लोग ट्राई किए कुछ बोलने, गलती बोल रही, सीख तो जाएंगे भाई उसी बात, नहीं तो हम लोग इग्नोरेंस में रहेंगे तो सीखेंगे। तो जन्माष्टमी एक्चुअली है क्या? जन्माष्टमी एक्चुअली में है क्या? भगवान का जन्म होने से बहुत तो अजन्म है, उनका कोई चीज से जन्म हुआ तो वो भगवान हो गया, समझ रहे हैं? भगवान का कुछ सोर्स है तो वो भगवान हो गया ना। कैन गॉड हैव सोर्स? क्या भगवान के सोर्स है? भगवान की लीला, लीला मतलब भगवान समय समय पर धरती पे लीला करने, लीला करने आते हैं सर, सर, क्यों? तो ओरिजिनल कौन है? भगवान ओरिजिनल कृष्ण। तो जन्म ले रहे वो जन्म ले किस जन्म जो लेंगे वो कौन है? भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते, प्रकट होते मतलब, मतलब उन्हें जन्म लेने के लिए किसी गर्भ की आवश्यकता या कोई बॉडी की आवश्यकता नहीं। तो प्रकट होने के पहले भगवान नहीं थे क्या? भगवान थे। प्रकट होने का मतलब युग जब चेंज होता है तो युग के चेंज कैसे भगवान गायब हो जाते फिर से पकड़ लेते हैं? नहीं, हमें लग रहा है कि यही एक अर्थ है, मतलब ऐसे से बहुत सारे यूनिवर्स, भगवान तो मतलब उनका ना कोई जन्म है ना कोई जन्म, वो तो मैं ही बोल रहा हूँ। अगर आपको नए बच्चे से मिल रहे तो उसको कैसे समझाओगे? ऐसा बोलो तो कंफ्यूज जाएगा, समझ रहे हैं? क्या ऐसा बोलना पड़ेगा? जन्माष्टमी मतलब क्या? भगवान का जन्म। तो भगवान कौन है? नया बच्चा को समझाएंगे। तो भगवान कौन है वही तो पूछो, भगवान का जन्म के, भगवान तो अजन्म है, उनका तो जन्म नहीं हो सकता ना। सी गॉड इज कम फ्रॉम समथिंग देन दैट थिंग बिकम्स गॉड, इजंट इट? अवतार होने का मतलब भगवान जैसे इंसान मानव के रूप में आते हैं, भगवान के अंश का मनुष्य रूप में जन्म लेना, भगवान के अंश का मनुष्य रूप में जन्म लेना आत्मा, वही बोला भगवान कौन है? मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट, लेकिन आप बोले भगवान का अंश का मनुष्य रूप में जन्म ले, तो भगवान है कौन? भगवान है देवता। अच्छा तो देवता देवता क्या है? देवी नहीं, बोलो बोलो बोलो, खुल के बोलो, घबराओ मत। बोला जाता देवी देवता,
हाँ हाँ तो देवता मतलब उसका दूसरा नाम देवता भगवान मतलब देवता, देवता मतलब भगवान। एक्चुअली पर वो जी उस दिन मतलब ऐसा रखा गया जैसे हम लोग का जन्म तिथि रखा गया तो जन्म उत्साह मनाते हैं कि आज दिन मेरा बर्थडे ऐसा हो सकता तो है। हम लोग का तो जन्म बना सकते हैं, हम लोग तो जन्म लिए, भगवान भी जन्म लिए क्या? या फिर अंधविश्वास को खत्म करने के लिए कोई डेट फिक्स किया गया हो कि इस दिन पूजा करेंगे? अरे डेट फिक्स किया हुआ पूजा करने के लिए प्रभु जी, हर युग में जो भगवान धरती पर आते हैं तो द्वापर युग में कृष्ण जी जो है वो इस दिन धरती पर। वही मेरा क्वेश्चन, अगर भगवान द्वापर युग में आए हैं टॉक के समय इधर उधर नहीं हाँ डिस्टर्बेंस होता है तो आपको कहना है द्वापर युग में इस रूप में आते तो ओरिजिनल कौन सा रूप है? तो मेरा क्वेश्चन है अगर भगवान कोई चीज़ रूप में आ रहे मतलब आप बोलो मैं इस रूप को मैं कोई पर्टिकुलर रूप लिया तो इसका मतलब आपका ओरिजिनल तो कुछ और होगा ना, तो ओरिजिनल क्या है? विष्णु ओके तो इसको क्यों सेलिब्रेट करें? तो जैसे रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन राम भगवान, तो मेरा सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी। तो कोई भी चीज़ को हमको सही समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उससे इतना लाभ नहीं होगा जितना हो सकता है। थोड़ा लाभ होगा बट ज़्यादा लाभ नहीं होगा। जैसे आप लोग मेडिकल साइंस ही पढ़, तो कोई अगर सही से उसको नहीं पढ़ेगा, थ्योरेटिकली पढ़ेगा सिर्फ, तो उतना फ़ायदा, डिटेल में जब पढ़ेगा तो उसको पूरा पता चलेगा क्या चीज़ से क्या होता है, आधा इंफॉर्मेशन और डेंजरस। विष्णु जी का कृष्ण के जीव के रूप में अवतरित होना ये भी हो सकता है, तो उसको सेलिब्रेट क्यों करें हम? पदार्पण दूसरे रूप में हुआ है ना, तो उसको हमको क्या फायदा सेलिब्रेट? विष्णु मनुष्य नहीं है क्या? हां है ना, जैसे विष्णु भी तो मनुष्य रूप में ना, विष्णु मनुष्य रूप नहीं है आ जाएगा। तो क्या बताए थे, विष्णु का कृष्ण के रूप में अवतरण, उससे मेरे लाइफ में क्या रिलेवेंस? क्यों मनाते? देखिए बेसिकली क्या होता है, भगवान तो इटर्नल है, क्या है? इटर्नल है भगवान का, तो कोई अपीयरेंस हो जन्म तो है नहीं, भगवान का कोई जन्म। ये जो वर्ल्ड है ये जेल के समान है, किसके समान है ये वर्ल्ड? किसके समान है? हमको तत्व समझना पड़ेगा गीता के अनुसार कि यह जो जगत है किसके समान है? जेल के। अगर जेल में आप सड़ रहे हो और ध्यान से इस दुनिया को देखोगे तो समझ में आएगा कि हम जेल में सड़ रहे हैं। और ध्यान से बस देखो, लास्ट आप लोग की उम्र 20-25 के आसपास हो गई होगी, 20-25 इज़न्ट इट? मोस्ट ऑफ यू 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल से हम लोग हर दिन सोचे सुखी हो जाएंगे, यही ट्राई कर रहे हैं सुखी होने का कि और कुछ ट्राई कर रहे हैं? सुखी होने का ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? कि नहीं? All of us are trying to become happy, isn't it? हम लोग सब ट्राई कर रहे हैं हैप्पी होने का, isn't it? तो ध्यान से सोचो, एक दिन भी ऐसा आया अभी तक जहां लगा पूरा सब चीज संतुष्ट हो गया? आप लोग सबसे पूछ रहा हूं मैं, एक दिन भी ऐसा जाने लगा अब पूरा संतुष्ट हो, कुछ और नहीं चाहिए? ऐसा एक दिन भी 20 साल 22 साल 23 साल में हुआ जिस दिन लगा अब कुछ नहीं चाहिए बस संतुष्ट? सोचोगे ना, ये हो जाएगा बस संतुष्ट हो जाएगा, इंटर्न हो जाएगा फिर संतुष्ट हो जाएगा, शाम बहुत से पूछो। अभी बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना, अभी गया मेरे कॉलेज
जो आप चालू किया था तो पागल हो गए, मतलब नौकर की तरह खड़ा करा के रखता, कुछ काम ही नहीं देता, बोलता खड़े रहो तो सर काम दे दीजिए, बोलते नहीं खड़े रहने का, बोलता हम इतना बड़ा डॉक्टर हमको सब आते रहे, हमको बोलता खड़े रहो, पता आपको तुम्हें खड़े रहना बस, ए, ए, वो औजार ले आओ ये ले, कुछ काम नहीं, जब जबरदस्ती खड़े रहो उसका ईगो को सेटिस्फाई करो, लगा भागे गया, इतना फ्रस्ट्रेट का है यार, इतना साल हम पढ़ाई की कैसे सिर्फ खड़ा करके रखता है, समझ रहे आज बात वैसे हमसे बताया था कि स्टेशन हो जाता है, हम लोग सोचे इंटर्न हो जाए तब हैप्पी हो जाएंगे, पीजी हो जाएगा तो पूरा ही हैप्पी हो जाएंगे, कब पीजी हो गया उससे पूछ कितना वो हैप्पी है, डॉक्टर पूरा एमबीए पूरा प्रॉपर हो गया उसके बाद तो चलो तो डॉक्टर से ठीक, एक सेकंड भी आज तक हम लोग मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब लगा कि और कुछ नहीं, समझ रहे हैं, दिमाग को लगाएगा सोचेगा ध्यान से सोचेगा, देखेगा भाई मैं कुछ अचीव कर लेता हूँ उसके बाद और इच्छा बढ़ जाता है, रावण का सर जैसे एक काटोगे तो फिर आया जाता है, ऐसे करके पॉपअप करते रहते, वही सिखा रहा हूँ मैं आपको तो अभी ये एटलीस्ट रिलेट कर पा रहे ना हम लोग, यार जो करो और फिर मन करता और चीज है कि नहीं, तो जो ये चीज समझ जाएगा यार ये तो ट्रैप है, क्या ये तो ट्रैप है, लग रहा है कि मेरे को मिलेगा लेकिन मिलता, जब आप समझ जाओगे ये ट्रैप है तो बाहर निकलना चाहोगे, अब आप ही बताओ एग्जांपल के लिए, अगर एक अगर आपको भूख लगा है किसी में मोबाइल है, मान लो मेरे को बहुत भूख लगा है, आप लोग भूख लगा आप लोग मान लीजिए पूरी सब्जी आए, अभी मैं आपको मान लीजिए बहुत भूख लगा, मान लीजिए क्या नाम आपका, खूब भूख लगा हम पूरी सब्जी इसको दे, समझ रहे हैं पूरी सब्जी यहाँ पर रखी हुई, आईने में मैं बोलूँ देखो कितना सुंदर पूरी है, देखिए आईना में दिखेगा कि नहीं, आईना में दिखेगा कि नहीं, बट आईना में खा सकता है, कितना देर ट्राई करेगा आईना में कि हैप्पी हो जाएगा, फोड़ देगा तो मिलेगा, तो वैसे दुनिया का हैप्पीनेस ऐसे ही लग रहा है मिलेगा, ट्राई करो अगर आइए नहीं, लग रहा मिल जाएगा लेकिन करो, क्योंकि भगवान गीता में बोल रहे हैं 15 चैप्टर फर्स्ट लो, ऐसे ऊर्ध्व मूलम अधसा, क्या बोल रहे हैं ऊर्ध्व मूलम अधसा, यह मटेरियल वर्ल्ड क्या परछाई है, ऊर्ध्व मूल ऊर्ध्व मीन्स ऊपर के रूट ऊपर है और परछाई में क्या होता है, पेड़ के रूट ऊपर रहेगा और शाखा कहाँ होगी, ऊर्ध्व मूल अध शाखा, अध मीन्स नीचे, शाखा कहाँ है नीचे, पेड़ में रूट किधर होता है नीचे के ऊपर, नीचे और शाखा किधर होता है, तो यहाँ गीता में बोल रहे हैं कि पेड़ में ऊर्ध्व मूल रूट अपव है शाखा नीचे, ऐसा कोई पेड़ दिखाई रूट ऊपर और शाखा नीचे, रूट ऊपर है पेड़ का और शाखा नीचे, ऐसा होता है परछाई में, कहाँ होता है ये मेटेरियल वर्ल्ड, क्या परछाई, क्या ये परछाई है तो रियलिटी क्या है, स्पिरिचुअल, इस दुनिया में जब हैप्पीनेस खोज रहे हैं वो क्या परछाई में खोज रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए हम कोई भी चीज खाएंगे सेटिस्फाई थोड़ी देर के लिए होते फिर और जाता, कितना ही कोई गर्लफ्रेंड पटा ले, कितना ही सेक्स कर ले, कितना ही कुछ कर ले, लगता मिलेगा लेकिन फिर लगता है कुछ नहीं, फिर चल रही सपन लगने लगे, वैसा है जिसको पूरा सेटिस्फेक्शन फील हो गया कुछ नहीं,
लेकिन प्रभु जी कुछ नहीं कहते उसको, कम से कम एक बार खड़े आता हूँ पता चले तो करके तो देख ही रहे हम लोग, नहीं नहीं आप करके देखो ना, नहीं करके देखने से थोड़ा फीलिंग आता है ना, नहीं मतलब जो कुछ नहीं किया है उसके मन में तो रहेगा ना, तो करके देखो ना भाई तुम तो भगवान। अब ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अब इसमें आना चाहिए कि भाई हो रहा है कहाँ से, थोड़ा सा लगे वो फिलोसफी वो अगले बार का लेक्चर वो आप नए लोग के हिसाब से था, अभी तो आप हाई लेवल पे जा रहे समझ रहे हैं, वो भी है थॉट सूट वाला पिछले बार समझाया था, अभी उससे बेसिक रूट पे जा रहे कि हम लोग कहाँ से आए, थॉट्स ही कहाँ से आ रहे। तो हम लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, भगवान गीता बोले ममई वाम से जीव लोके जीव भूत सनातन, अब मेरे अंश है, किसके अंश है, मेरे अंश। अब आप बताइए कोई कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बनाया, किसका प्रोडक्ट हुआ, तो वैसे भगवान बोले मेरे सदस्य आप लोग मेरे से आए तो हम लोग किसके प्रोडक्ट हुए, किसकी सेवा में लगने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। देखा अगर हम भगवान के हैं ममई वाम से जीव लोग के जीव भूत सनातन, और भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब क्या होता है, मनः सष्टानी इंद्रियानि प्रकृति, तब हम लोग को ये मन और इंद्रिय पागल कर देते। तो दो तरह के लोग हैं दुनिया में, भोगी और त्यागी। कुछ लोग दुनिया में कुछ भी देखते तो भोगना चाहते हैं, रसगुल्ला पड़ा खा ले, लड़के एंजॉय कर ले, एंजॉय कर लो, कुछ भी मिला इसको बोलते हैं भोगी। और दूसरा है नहीं एंजॉय करते तो प्रॉब्लम होता है इसलिए नहीं करेंगे, एंजॉय करते तो क्या होता है थोड़ा मजा देता है बाद में फंस जाते, थोड़ा मजा देता बाद में फंस जाते। एक लड़का कल फोन किया कुछ मैं डाइवोर्स लूंगा, क्योंकि इतना हड़बड़ा क्यों रहा बाबा, लव मैरिज किया था हल्दिया कॉलेज में था, क्या क्या था तो मैं पूछा भाई आप बोलते हैं क्या हो गया इतना क्यों उत्साहित हो गया, भाई यू आर फीलिंग सो एजिटेटेड, ऐसा क्या हो गया कि एकदम एक समय पूरा एकदम फैमिली से झगड़ के शादी किया, क्या किया फैमिली से झगड़ के पूरा, मतलब आप समझ रहे हैं लव मैरिज किया वो समझ इतना उत्साह के साथ लव मैरिज जो है वो जनरली सक्सेस ऐसा सब बता रहा हूँ धीरे धीरे कभी बता रहा हूँ समझ रहे हैं, कभी कभी सक्सेसफुल भी हो सकता। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ दिस बॉय, तो इस बच्चे ने क्या किया था कॉल इतना एकदम मैसेज किया मैंने पोजी में एकदम डाइवोर्स लेना हुआ क्या, रुको धन इतना हबड़ा क्या हो क्या गया तुम, मैं पूजी इतना प्रॉमिस की थी वो, तो बोलते मेरा भी गलती मैं भी प्रॉमिस किया था लेकिन अब वो कुछ नहीं कर रही है, क्या हुआ क्या, नहीं उसने प्रॉमिस किया था कुकिंग करेगी ये करेगी अब बोलती हम नहीं करेंगे, अब क्या बोलती है मेड रख लो, क्या रख लो मेड रख लो, फोजी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मैं तो सह लूंगा लेकिन मेरी मम्मी बीमार है उसको तो देना चाहिए, उनको भी बोलती नहीं देगी, ये कोई तरीका है अपने लिए सह सकता हूँ लेकिन तो क्या करना चाहिए उसको, हस्बैंड वाइफ बोली थी पहले कुकिंग करेंगे अभी बोलते मेड रख लो, तो कुकिंग में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, अब क्या करना चाहिए, मम्मी भी थोड़ी बीमार है उसकी, मम्मी को तो एटलीस्ट देना चाहिए, मम्मी को भी सेंसिटिविटी मतलब डिसरिस्पेक्ट करती है, कुछ मेरे को डिसरिस्पेक्ट है मैं सह लेता हूँ लेकिन जो मम्मी को डिसरिस्पेक्ट करी मैं सहा नहीं जा रहा, क्या करे दादी तुम्हें क्या दादी तो वही किया, पहले बहुत प्रॉमिस की थी अभी कर गई मेड रख लो ये कर लो वो कर लो,
वेरी डिफिकल्ट, इजी नहीं लाइफ, जितना हम एक्सपेक्ट करते उतना हमेशा हमारे साथ चीजें चलती नहीं है। जॉबे करते सोचे आराम से पैसा कमाएंगे, कल श्याम पू बताए थे मेरे को श्याम बॉस की कैसे काम करता है मेडिकल में, वो गया में एक हफ्ता हो गया चालू किया गया मेडिकल में, गया नहीं कुछ तो बोला था कि बहुत रिस्क भी है। मतलब रिस्क क्या है, कभी कभी कोई पेशेंट मर गया ना तो पब्लिक आगे खूब मारता है और गार्ड भी नहीं बचाता है। अभी बहुत बड़ा डॉक्टर था उसको मार दिया पूरे एकदम वेंटिलेटर में, बड़ा डॉक्टर था वहाँ पर ना मारा कि उसको वेंटिलेटर भी चढ़ा, केस भी ठोक दिया। केस कैसा ठोका है कि बच्चा लेके आया था, बताया था श्याम बच्चा लेके आया था, बच्चा वो एकदम क्रिटिकल था एकदम, तो डॉक्टर बोला हम नहीं बचा पाएंगे, बोला आपको रखना ही पड़ेगा, पहले वो बोल दिया हम नहीं बचा पाए, अब फिर मर गया तो ना पीटा उसको, बोलो उसको वेंटिलेटर, केस ठोक दिया मर्डर। आदमी इसमें फायदा हो रहा कि नुकसान हो रहा समझ में आया डॉक्टर, वो बेचारा डॉक्टर बना उसको फायदा क्या है नुकसान में समझ में नहीं आ रहा कि उसको वेंटिलेटर भेज दिया और केस भी ठोक दिया, और क्या कर सकता है, गार्ड भी बचाया नहीं था, जब उसको मारा जा रहा था तो गार्ड भी कुछ। तो हम लोग बस सोचते एक एंगल से डॉक्टर बन जाएंगे पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन कितना अलग अलग एंगल है। एक हल्दिया के एक डॉक्टर थे, मेरे डॉक्टर बढ़ाया तो बहुत दुखी थे, क्या हो गया उनका तीन चार अस्पताल है, अस्पताल में वैसे एक पेशेंट आया एक बाइट से आया था तो उसको एडमिट वो नहीं करे थे, फिर भी जबरदस्ती बोला लोकल बोला नहीं करना पड़ेगा, मर गया तो फिर खूब मार गए कल में आग लगा दे, बोला अब इसमें क्या गलती है डॉक्टर, समझ रहे ये सब चीज़ प्रैक्टिकल है कि झूठा है, तो होता है कि नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं हैप्पीनेस मिलेगा, बट क्या क्या इन स्टोर है बोलने से। कल एक व्यक्ति अब मुझसे लोग मिलते रहते बहुत, बहुत दुखी था, क्या हो गया तेरे को, वो मम्मी को छोड़ के गए थे, वाइफ को था सब काम दिलाने गए थे, इधर मम्मी को रात को शुगर बढ़ गया 450 हो गया शुगर, तेरी बाथरूम में गिर गए, अपने आप ही गिर गए, चोट टूट आ गया। तो हम लोग सुनने उम्मीद करते सब होगा, लेकिन होता है वह कि नहीं होता है। इस दुनिया में ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे बहुत मिजरीज है, मिजरीज है कि नहीं, इसको बोलते हैं त्रिताप, क्या बोलते हैं तब वो तीन क्या ताप है, अधिभौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। इसलिए दुनिया का नाम है दुर्ग, दुर्गा मैया यहाँ की इंचार्ज है, दुर्ग मतलब जेल, जेल की इंचार्ज कौन है दुर्गा, दुर्गा मैया के हाथ में क्या है कमल, कमल पुष्प है कि त्रिशूल है, अच्छा दुर्गा तो मैया हमारी घर में, मम्मी जा तो मम्मी त्रिशूल लेके घूमती है कि लड्डू उड्डू खिलाती है, तो खिलाती है ना कि त्रिशूल लेके घूमती है, कितने लोग घर जाते हो मम्मी त्रिशूल लेके रखती है, हाँ क्या नाम है आपका क्या नाम है प्रीतम, वेरी नाइस पॉइंट। तो मम्मी यूजुअली तो लड्डू पेड़ा सब खिलाती रहती है, लेकिन कभी कभी बदमाशी करते थे ना तो निकलता था उस दिन उनका गुण, हमारे साथ घर में चार बार दुर्गा पूजा बनता, समझ रहे छोड़ दो तो केवल डॉक्टर बनने से नहीं होगा, तुम लोग अभी भी अनकंट्रोल जानवर है, राइट बोल रहा हूँ बुरा मत मानना, हम भी जानवर थे अभी भी हैं थोड़ा, लेकिन दुनिया में तुम कितना भी कुछ सीख लो अपने मन को कंट्रोल नहीं किया यूजलेस, क्यों तो डायरेक्ट बोल देते, लेकिन फैक्ट है पैसा कमाने से कुछ नहीं है, आईआईटी करके बैठे तुम कुछ नहीं मिलता, हैप्पीनेस कम्स बाई कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंस, माइंड एंड सेंस को कंट्रोल कर लिया वही संतुष्ट,
ने नहीं किया ना कुछ नहीं होता। इसके बाद पैसा नहीं, कुछ हमें तो ये लगते रहेगा ना कि अगर पैसा तो सेटिस्फेक्शन तो वो तो इस सब लेवल पे सोच ही नहीं पाएगा। सोचने का तरीका है, मान लो कि जो पैसा नहीं है, ठीक है ना, तो सीधा बैठो, समझ रहे, तुम लोग सब जानवर है, समझ रहे, तो माइंड हाथ इधर उधर हिलाना मतलब, तो तुमको कल तुम्हारा बच्चा होगा, शादी होगा, तुम अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तुमको कैसे रिस्पेक्ट देगा? आपको अभी छोटी चीज लग रही है, लेकिन यह हैबिट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, छोटी चीज लगेगी उसको बाजा में, मैं इतना बड़ा चीज नहीं, लेकिन इसका मतलब तुम्हारा वो तुमको तो करने का इच्छा नहीं, बजाने का तुम इच्छा नहीं है, अपने आप बज गए, आप समझ रहे पॉइंट, आपको बजाने को इच्छा नहीं फिर भी बजा, इसका मतलब कल तुमको पता है वो गलत चीज, लेकिन तुम अनजाने में हो रहा है, समझ रहे भाई, रिफ्लेक्स अपने आप हो जा रहे, इसका मतलब कल तुम बहुत सारी ऐसी चीज कर बैठोगे जो तुमको पता भी नहीं और कर बैठो, ऐसी हैबिट्स हो जाएगी तुमको पता भी नहीं चले वो तुम कर, नहीं वो अच्छी नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, तुम पर्पस भी तो नहीं बजाओ उसको, अपने से बज गया है कि नहीं, सोच के तो नहीं बजाओ कि क्लास से लग के वो बजाएंगे, तुम पर्पस भी तो हाथ नहीं दिए उधर, अपने आप चला गया, इसका मतलब तुम्हारा माइंड अब तुम्हारे हाथ में नहीं, कल क्या होगा, तुम रस्ते जा रहे हो कोई जूता देख लोगे जो जरूरत नहीं फिर भी खरीद लोगे, फैक्ट बता रहा हूँ, 8,000 का जूता खरीद लो जिसका जरूरत नहीं तेरे को, ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, आप समझ रहे हैं, देखने में छोटी चीज लग रही, कल हो सकता है आप 2,00,000 का मोबाइल खरीद लो इसकी जरूरत नहीं, आप समझ रहे पॉइंट, कल ये जो हैबिट लग जाएगी आपको, आप पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप बहुत सारी ऐसी चीज करोगे जिसको आप पता नहीं क्यों कर रहा हूं, इसलिए वैदिक लाइफ में बच्चों को ट्रेनिंग मिलती थी मन को कंट्रोल करने, जिसने मन को कंट्रोल, इसलिए वो लोग गुरु से बिना पूछे खाते भी नहीं, उनका माइंड सेंसेस एजिटेट ही नहीं होगा, आज हम लोग कंट्रोल नहीं है, रस्ते में कुछ भी खरीद के खा लेते, जिसकी जरूरत नहीं वो भी खा लेते, अरे खा के आए फिर पूछ का खा ली, क्या हमेशा भूख से खाते हैं क्या, ऐसे भी खाते हैं कभी कभी, ऐसे भी खा लेते, जरूरत नहीं तो क्यों खाएगा, गाड़ी में बिना मतलब का पेट्रोल डालते हैं क्या, पेट्रोल चलाने के लिए डालते हैं ना भाई, गाड़ी से जा रहे हैं चलो एक लीटर डीजल भी डाल देते, तो पानी भी डाल देते, जल मंदिर है थोड़ा वहां का जल भी डाल देते, ऐसा कोई करता है क्या, नहीं, हम लोग सेम चीज अपने बॉडी के साथ करते, बाइक में पेट्रोल बाइक में कभी डीजल डाले कोई, पानी डाले या कभी, घी डाले या कभी, पेट्रोल मतलब पेट्रोल डालना, आप लोग सबने बाइक यूज किया होगा, पेट्रोल बाइक में पेट्रोल ही डालते कि और कुछ भी डाले यार, थोड़ा सा डीजल भी डाल देते एक दिन, थोड़ा सा कभी घी भी डाल देते, अपना बॉडी में हम लोग कुछ भी डालते रहते हैं, कुछ मिल गया डालना, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, और प्रॉब्लम भी होता बहुत बार सिस्टम में, कुछ चीजें खाते बिकते हैं अगले दिन ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, फिर भी मन बोलता है पॉइंट समझ रहे आप लोग, इसीलिए अभी ये जो उम्र मिल रहा है आप लोग को, अभी आपको रिफ्लेक्स चेंज कर सकता है, बाय ट्रेनिंग यू कैन चेंज योरसेल्फ, यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, एंड जो कंट्रोल कर लिया अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया वो रियली सक्सेसफुल, वो बैठेगा पढ़ने तो उसका मन पढ़ाई में रहेगा, और बहुत हम लोग बैठते पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, आधा घंटा बैठे ले पहला पेज पार नहीं हो रहा, मन बेटा किधर घूम रहा पता नहीं, मन मेरे हाथ में, मेरे हाथ में मेरा मन नहीं है, वाह, वी डोंट हैव कंट्रोल अवर ओन माइंड, वाह, बैठ के बुक देख रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा मन उधर घूम रहा है, वाह ये कैसे हो सकता है, मेरा ही मन है ना किसी और का मन, मेरा मन है ना भाई कि किसी और का मन है, मेरा मन है और मैं बुक खोल के मेरे को घुस ही नहीं रहा, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, लेकिन मेरा मन कहीं और है,
दिख ही नहीं रहा मेरे को क्या चल रहा है। पांच लाइन पढ़े फीलिंग ही नहीं आया, मतलब कुछ मतलब घुस ही नहीं रहा, ब्लॉक हो रखा है। पढ़ रहे कभी आज तक दो चार लाइन पढ़े समझ ही नहीं आ रहे कैसे, कुछ और मन में चल रहा है। अगर आप कंट्रोल कर ले तो एक बार पढ़ो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। आपको मन कंट्रोल एक बार पढ़ो जीवन भर के लिए क्या हो जाएगा, और इधर दस दस बार पढ़ो याद ही नहीं होता है। आप समझे कितना हम लोग का मन अनकंट्रोल है, फील हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा सोचना पड़ेगा कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो क्या हमको आप लोग पॉइंट समझ रहे हैं। हाँ तो अभी रूट पे आते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हम लोग को हो क्यों रहा है, हमारा ही मन हमको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भाई आपका मान लीजिए बोतल आप क्यों नहीं उठा सकते, क्यों नहीं खोल के पानी पी, आपका बोतल है बट अपने बोतल में हमारा कंट्रोल नहीं है। हम खोल रहे हैं कान में पानी डाल रहे, सर पे पानी डाल रहे, तो ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है ना भाई। हम मेरा ही बोतल पानी खोल के इधर डाल रहा हूँ, इधर डाल रहा हूँ, नाक में डाल रहा हूँ, इधर डाल रहा हूँ, और जिधर डालना चाहिए वो डाल नहीं रहा। पढ़ने बैठते तो माइंड में आता ही नहीं, मतलब घुसता ही नहीं, तो बहुत धीरे धीरे घुसता है। डेट मेक सेंस ऑन तो मैं बताया था दुर्गे क्या है, किला है, जेल है, और इंचार्ज कौन है, दुर्गा देवी। तो मम्मी यूजुअली हम प्रेम करती, लेकिन कभी कभी बदमाशी करते तो क्या करती है, पीटती भी। मेरी मम्मी दो चार बार साल में मेरे को दे देती, ऐसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन जब देखते थे बहुत बदमाशी कर रहा है, नहीं नहा रहा है कुछ, मतलब पागल कर देते मम्मी को, तो फिर उस दिन चिमटा फिमटा निकलता था अलग अलग अस्त्र, बेलन उलन सब लेके एकदम मारा पीटे एकदम मार के एकदम, समझ रहे हैं। मेरे मम्मी खूब मारते थे। आप लोग आज तक मार खाए, कितने लोग मार खाए कभी, ओ सब लोग खाए, वाह वी आर वेरी नाइस, बहुत फॉर्चुनेट। तो मम्मी से मार खाने का आज क्या, मम्मी से प्रेम है कि गुस्सा है, हमारा तो प्रेम, क्योंकि वो मारती थी किस लिए, हमको सुधार नहीं कर। इस दुनिया में दुर्गा देवी के हाथ में क्या त्रिशूल है, क्या है क्या उनके हाथ में त्रिशूल, के तीन नोक क्या है, पहली नोक है अधिभौतिक के लिए है, दूसरी जीवात्मा क्लेश देते। जैसे कल मैं प्रोग्राम कर रहा था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वादा में, वो सर फैकल्टीज ले लोग थे, एक मैडम पूछती है कि सर क्यों होता है कि मैं सबका अच्छा करना चाहती हूँ, फिर भी कुछ लोग आपके सामने अच्छा बोलते नहीं, बैक आउट ऑफ बैक में क्या बोलते हैं आपका, ट्राई करते हैं, बहुत बुरा लगता है, सामने बहुत अच्छे से बोलेंगे आपको, पीछे पीछे कदम स्टैबिंग बोलते ना, स्टैबिंग बैक स्टैबिंग, कैसे होता है कि नहीं, ऐसा इतना प्रेम से आपको बोलेगा सामने में, पीछे तो आप कदम कैसा लगता है, ऐसा होता है तो अच्छा लगता है क्या, बोलते अधिभौतिक के लिए। कभी कोई सीनियर परेशान कर देता है, कोई बॉस परेशान कर देता है, कभी कभी मच्छर परेशान कर देता है, ऐसा मतलब मच्छर हटाए फिर भी बेटा कहाँ से, जैसे लाइट बंद करते फिर आवाज चालू करते पोम 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 पोम, कभी आज तक मच्छर का प्रॉब्लम हुआ, जब लाइट चालू करते दिखता नहीं बेटा, जैसे लाइट बंद करते हो बेटा सोने जाते हो सब पॉप पॉप पॉप। तो देयर विल बी इन दिस वर्ल्ड एटलीस्ट वन बीइंग हु विल डिस्टर्ब यू। हम लोग जब हॉस्टल में पढ़ाई करते थे बाबा, हम लोग का बड़ा हॉस्टल था, थर्ड क्लास टाइप का नहीं था, काफी बीएचयू का मतलब हॉस्टल अच्छा था, गार्डन बड़ा बड़ा हॉस्टल मतलब ऐसा था सर स्क्वायर, बीच में पूरा गार्डन बड़ा वेल मेंटेन, रूम था। मैं एक दिन इतना जोर से बजा था म्यूजिक ना, बहुत ज्यादा जोर से,
यूजली हम लोग नहीं बोलते थे उस दिन, इतना जोर से बजा था, इतना जोर से बजा था, उधर से आवाज आ रहा था, मतलब समझ रहे, इतना बड़ा हम लोग का हॉस्टल, समझ रहे, 100 मीटर मतलब 50 मीटर 60 मीटर वो होगा इससे इसके बीच, मतलब ऐसे स्क्वायर, इधर रूम से ऐसे चारों तरफ और बीच में गार्डन से, समझ रहे, बहुत बहुत सुंदर। मैं इस रूम में था 26 में, इधर से आवाज आ रहा है, कितना जोर से बजाया हो सकता, इतना जोर से कान फट जा गया यार, मतलब जोर बजाया। तो फिर सोचे चलो भाई बोला इतना जोर मत बता बेटा, तू मर जाएगा, तेरा डीजे से तू ही मर जाएगा। तो उधर गए तो देखे अरे बेटा डीजे बजा के उका किया, रूम लॉक करके चला गया और रूम को ऐसे खुला छोड़ दिया, समझ रहे, दो ठो गेट वाला ऐसे, दो ठो ऐसे डबल होता है ना, तो ताला से ऐसे खोल के, ताकि पूरा हॉस्टल में डिस्टर्ब हो और वो भागे। वो बेटा वो खुद हॉस्टल में नहीं, वो चला गया कि सबको हम डिस्टर्ब करेगा, हम कहीं और चल, तो क्या बोलते हैं अधि भौतिक फिर होता है आध्यात्मिक के लिए, अपने शरीर और अपने मन से के लिए। चार पांच लोग मेरे को रिटायर करने के बाद बोले थे कि भाई हम सेवा करेंगे आपको 60 साल के बाद, और एक जन तो एक साल पहले रिटायर लिए कि भाई हम अब थोड़ा सा प्रचार करेंगे, हेल्प करेंगे दोस्तों। आई वेरी होपफुल तो लोग आएंगे अब हमको, बिकॉज अकेले कितना प्रचार करें, हमको कितना जगह जाना पड़ता है, 700-800 हम लोग जाना है, मतलब कितना जगह हम जा रहे हैं। आई थॉट कि बहुत सारे घर हो गए मेरे, तो मैं उनको भी वो कुछ घर भेजेंगे, वो भी जाएंगे प्रचार करेंगे। चार पांच लोग ऐसे हो गए, चार पांच लोगों को फोन किया, फिर आप लोग तो बोलते हैं आएंगे, क्या हुआ, चारों पांच का भी पाँव का, किसी का एंकल में प्रॉब्लम हो गया, किसी का यहाँ प्रॉब्लम हो गया कि बैठते तो उठ नहीं पाते, उठते तो बैठ नहीं पाते, समझ रहे, ओल्ड एज में बहुत प्रॉब्लम होता है, अभी आपको पता ही चलेगा जब ओल्ड हो गए तब है। मैं तो खैर बहुत कृष्णा कॉन्शियस रहता हूँ तो मेरा बॉडी को उतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यूजली जैसे जैसे ओल्ड एज गिरेगा तो वो लोग बहुत बॉडी में प्रॉब्लम है। एक आदमी यंग एज में बहुत बिंदास लाइफ जीते थे, सब मन में आता है जीते थे, रात को लेट सोते थे वो, अभी क्या हो गया उनका बॉडी में इतना सारा डिजीज हो गया, मतलब उनको प्रैक्टिकली ही वॉज अबाउट टू डाई, समझ रहे। तो फिर हम लोग उनके लिए प्रार्थना के तो बच गए, तो उनके समधी भक्त हैं तो बताए थे कि उनको अभी 26 दवाई लेना पड़ता है, कितना 26, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, डायबिटीज का तो इसका तो 25-30 स्टूडेंट, तो अभी 26 अगर कोई सुबह 7 बजे लेना, 7:30 बजे 8 बजे मतलब प्रैक्टिस दिन में दवाई, तो उनको एक डायरी रखना पड़ता है, ये दवाई लिए टिक मार मारो, ये लिखने नहीं तो भूल जाते, डबल ले लोगे तो प्रॉब्लम हो जाए। कोई दवाई अगर कोई ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, पहले लेना है, अब दो बार ले लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, याद नहीं रहता, 26 दवाई ले, फैक्ट बता रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं अधि बहुत आध्यात्मिक क्लेश, शरीर से क्लेश, मन से क्लेश, मन का क्लेश समझते। अब मान लीजिए आपको कोई चाय दिया, आपको चाय पीने का आदत, आपको 7 बजे चाय दिया, आपको कितने चाय दिया, 7 बजे पीने का आदत, मेरे ताऊ जी तो उनको 7 बजे चाय पीने का आदत। अब उनकी पत्नी गुजर गई, बहू 3 तो थी, बहू लोग का बच्चा भी छोटा छोटा, उसको स्कूल भेजना ये करना, उनको आदत था कितने बजे चाय पीने का, बहू बनाती थी उनके लिए, तो 1-2 मिनट इधर उधर हो गया, 2 मिनट इधर हो गया तो फिर उनको ईगो को बहुत हर्ट होता, बोलते थे हम नहीं पीते, हम नहीं, क्यों, हमारा सेवा सही से नहीं हो रहा। वो बेचारी बोले पूजी बच्चा को देख के आया, अब कुछ बच्चा को स्कूल में 2 मिनट मतलब बताने में लेट हो गया, कुछ छोड़ने गई मतलब, तो क्या हो, चाय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 2 मिनट इधर उधर होने से कुछ हो गया क्या, हाँ मतलब घड़िया 2 मिनट स्लो हो गया तो क्या करोगे, घड़िया का 2 मिनट स्लो हो जाता क्या करते, लेकिन अभी उनका
दो मिनट के कारण उनको चाय अच्छा नहीं लगा, नहीं पियेंगे। क्यों नहीं पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे? इसका प्रॉब्लम ये है, इसका प्रॉब्लम ये है, समझ रहे आप लोग कि नहीं? दे रंजित पानी लो, आप समझ रहे पॉइंट? तो बोलते ईगो आइए, हिंदी में इसको बोलते फूटानी, क्या बोलते तो दुर्गा देवी तीन ताप दे रही, पहला हो गया अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। अधिदैविक मतलब ज्यादा वृष्टि हो जाना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाना। आप बताओ कोई माँ अपने बच्चों को कष्ट देगी? तो दुर्गा माँ हम लोग को कष्ट क्यों दे रही? हाँ क्यों, क्या सुधार रही? बुराई है। क्या बुराई? मेन ये सब बुराई नहीं, मेन बुराई है कि दुर्गा मैया क्या है, ट्यूशन टीचर की तरह। इसकी तरह ट्यूशन टीचर। तो जब हम लोग बढ़िया से असाइनमेंट नहीं करेंगे, टीचर को क्या करना पड़ता? पीटना पड़ता। तो वैसे दुर्गा मैया देखती है कि हम सब किसके संतान है, भगवान के संतान है। तो जब उनको नहीं फॉलो करते हैं तो दुर्गा मैया पीटती। इसलिए श्लोक आता है कृष्ण भूली से जी भगवान छा को रहते हैं माया तार छपटिया। हम भगवान के अंश है। मान लो गाड़ी है, आदमी की गाड़ी है, उसको ड्राइवर को दिया उसको, और ड्राइवर क्या करता है उसको इधर उधर ले जाता है। मालिक खोज रहा भाई तो लाता नहीं, तो खुश रह सकता है सर ड्राइवर? बस ये बॉडी किसने दी हमको, जन्म लिए थे इतने छोटे से थे, जब मदर फादर ने कंसीव किया तो उसने छोटे से, है कि नहीं? और इतने बड़े हो गए कैसे हो गए? हवा किसका लिए? हवा कहाँ से लिए? हाँ नेचर से लिए, समझ रहे हैं? जैसे हम बोलते हैं नेचर, नेचर नेचर सही बात, नेचर प्रकृति। तो यूजुअली प्रकृति मतलब किसी की प्रकृति होती है ना, प्रकृति तो अपने आप की कोई प्रकृति नहीं भाई, किसी की प्रकृति, इसकी प्रकृति ऐसी इसकी। अगर मान ली मैं यहाँ बैठा हूँ, स्टोन आके लगे तो मैं तुरंत स्टोन के साथ झगड़ा करूँगा क्या? अगर मान ली मेरे को स्टोन लग गया तो मैं स्टोन को ब्लेम करूँगा क्या? एग्जैक्टली तुरंत मैं देखूँगा कौन मारा, देखूँगा कि नहीं कौन मारा रे। तो वैसे एनर्जी मीन्स एनर्जेटिक, एनर्जी मीन्स प्रकृति, मीन्स द सोर्स ऑफ प्रकृति, समझ रहे हैं? प्रकृति मीन्स सोर्स ऑफ, भगवान बता रहे मैं अध्यक्ष इन प्रकृति, भगवान मैंने मेरे अध्यक्षता में प्रकृति चल। प्रकृति किसकी एनर्जी है? भगवान की, समझ रहे हैं? और प्रकृति अगर है तो ब्लाइंड होनी चाहिए। नेचर जो है वो एक परफेक्ट पैटर्न्स फॉलो कर रहा है कि बस रैंडम चल रहा है? आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट है बताओ, जब क्लॉटिंग हो जाता है कुछ, समझ रहे हैं? कल मैं सेविंग कर रहा था तो मैं थोड़ा सा कट गया मान, समझ रहे हैं? अपने आप को हो गया वो क्लॉट हो गया, मैं तो मर जाता मैं, समझ रहे हैं? पूरा बहेगर, मैं तो कुछ भी नहीं किया, वो बह बह के मर जाता मैं। लेकिन अपने आप क्या हो जाता है, ये किसने बनाया सिस्टम? एनिमल्स एक्सपेंशन ऑफ वाटर पढ़े, एनिमल्स एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जीरो से चार डिग्री के बीच में जब कूल करते हैं, चार से जीरो। अभी आप ही बताओ कोई भी चीज को कूल करोगे तो कॉम्प्रेस्ड होगा कि नहीं? कोई भी चीज को हीट करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा उसका और वो फैलेगा, सिंपल सी बात, लॉजिकल। गर्म करोगे तो फैलेगी ना चीज बाबा, और ठंडा करो सिकुड़ोगी। पानी जो है 100 डिग्री से 4 डिग्री तक सिकुड़ता है, मतलब प्रॉपर कहीं से भी उसको ठंडा करो सिकुड़ेगा, सिकुड़ो सिकुड़ो, और 4 से 0 डिग्री तो एक्सपेंड कर जाता है बेटा।
ऐसा कैसे हो जाएगा? जब ठंडा करे तो सिकुड़ो ना भाई, फैल कैसे जाएगा? तो संभव ही नहीं। कोई भी चीज को ठंडा करो सिकुड़ता है, पानी 4 से 0 डिग्री में फैल जाता है और कोई लिक्विड फैलता नहीं। एनमलेस एक्सपेंशन वाटर केवल वाटर के लिए अप्लाई करो। आप ट्राई करो और कोई लिक्विड पर केरोसिन ले लो, सब किसी में। तो जनरल पैटर्न तो ये, एंट्रोपी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा तो फैलेगा। स्वाभाविक सी बात है, एटम्स को हीट दोगे तो एटम फैलेगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, सिंपल सी बात है। ये कोई बड़ा प्रिंसिपल तो नहीं है, सिंपल प्रिंसिपल। इसी को मैं गर्म करूँ फैलेगा भाई कोई भी आदमी, मतलब तो एनर्जी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो वाटर के साथ एक्सेप्शन कैसे होगी? वाटर के साथ एक्सेप्शन कैसे हो जाएगा भाई? इतनी सारी लिक्विड से किसी का सर नहीं हो रहा ऐसा। एक वाटर में ऐसा क्या है भाई 4 से 0 डिग्री में कॉन्टेक्ट करने पर एक्सपेंड कर जाता? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और कंटिन्यूसली वाटर कॉम्प्रेस होता तो नीचे से आइस फॉर्मेशन होता, पानी पिघलते पिघलते 0 डिग्री आइस बनता, आइस डेंस होता, सॉलिड होता, जाके नीचे जाता। तो 0 डिग्री -1 डिग्री होते हो तो पूरा वो क्या हो जाए, पूरा नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक बर्फ, समझ रहे हैं? पूरा बर्फ मतलब एक्वेटिक लाइफ जीरो। जितना बड़ा बड़ा वेल से सब मछली गया पहाड़ में, सब एक दिन में मर जाए। अब पूरा ओशन ही बर्फ बन जाता अगर अटलांटिक में टेम्परेचर कम हो तो, इंडियन ओशन उड़ा देगा, सब उड़ा देगा। अगर टेम्परेचर कम करो तो पूरा सब कनेक्टेड है, पूरा उड़ा देगा, पूरा बर्फ हो जाएगा, एक भी एक्वाटिक जी पाएगा? आप बताओ। लेकिन जब आप 4 से 0 डिग्री तक उसको एक्सपेंड हो जाता है तो बर्फ लाइट हो जाता है, कंडेंसेट फ्लोट करता है। और फिर लेटेंट जो फ्यूजन है कि बर्फ को पिघलाने में और बहुत एनर्जी चाहिए, तो वो समझ रहे हैं ऊपर में वो क्या बोलते हैं इंसुलेटिंग लेयर बना देता है और फिर 0 डिग्री रहता है टेम्परेचर, वो सा एक्वाटिक सर्वाइव। एक्वाटिक को सर्वाइव करने के पीछे और कोई लिक्विड और बाकी सब सब लिक्विड पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो लॉज ऑफ नेचर क्या ब्लाइंड है कोई इसके पीछे आदमी है? जैसे मैं भी आया तो आपने तुरंत रूम चेंज किया, क्लीन किया, तो क्या ब्लाइंडली किया क्या? मतलब कुछ आप लोग मतलब कोई किया ना भाई कि अपने आप हो गया, फोकट में हो गया क्या? कोई किया भाई, मेहनत किया अभी आप? हाँ, तो अभी पैटर्न अगर रूम का चेंज हुआ है, नॉर्मल पैटर्न अलग है, यहाँ पर पैटर्न इसका मतलब कुछ इवेंट हुआ, मतलब अभी कोई मान लो 1 घंटा बाद आता है, अब यहाँ कुछ नहीं है, दो लोग पढ़े, लेकिन रूम का पैटर्न चेंज, बोले कैसे चेंज हो? नीट थी, क्लास कर रहे थे हम लोग, समझ रहे हैं? तो पैटर्न उसके कारण चेंज हुआ है। तो भाई इससे अगर भगवान कोई, अगर प्रकृति के पीछे एक लविंग फोर्स है कि कोई ब्लाइंड फोर्स है? लविंग फोर्स हु लव्स इट, हु इज दैट पर्सन? प्रकृति ब्लाइंड तो प्रकृति, अगर प्रकृति केवल लॉज फॉलो करती है मान लो, तो फिर कॉन्टेक्ट करना चाहिए वाटर को भी, एक्सेप्शन कैसे आ जाएगा? अगर लॉज मान लो ब्लाइंड है, अगर मान लो प्रकृति के, तो मान लो रूम में कोई भी आएगा उसको मतलब इस समय से समय आएगा तो रूम खुलेगा तो नहीं खुलेगा। लेकिन इसके पीछे मान लो एक इसका रूम है, रूम मान लो इनका रूम, तो अगर ये इस रूम के इंचार्ज तो ये देख के घुसे, कोई मान लो प्रिंसिपल सर आगे, कौन आगे, तो इनका रूम का पॉलिसी है मान लो सुबह 6 से 8 किसी को नहीं खोलेंगे, लेकिन वो आगे खोल देंगे कुछ इमरजेंसी के लिए, आगे तो खोल देंगे वो, प्रिंसिपल सर आइए सर बैठे बोले। तो अगर मान लीजिए ब्लाइंड लॉज होते, नेचर अगर जस्ट लॉज फॉलो करे तो कभी हालत में नहीं खोलेगा, जो लॉज वही हो। बट हम नेचर में देख रहे हैं कि एबिलिटी टू एडेप्ट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ? नेचर इंटेलिजेंटली काम कर, इसका मतलब इंटेलिजेंटली काम कर, इसका मतलब कौन है, कोई इंटेलिजेंट बींग है कि नहीं? इंटेलिजेंस अप्लाइज इंटेलिजेंट पर्सन, बाकी ना। तो इस यूनिवर्स के पीछे लविंग फोर्स है कि नहीं? एंड दैट लविंग फोर्स अरेंजेस फॉर अस वाटर,
प्यास लगती है, पानी है, खाना है कि नहीं? अब आप, मैं रोज सब्जी खाता हूँ, इतना टेस्टी लगती है दाल खाते हुए। आप बताओ यार, भिंडी का सीड में तो कोई टेस्ट ही, सीड में कोई टेस्ट है? आम के सीड में कोई टेस्ट है? आम का सीड को चूर चूर के मीठा मीठा निकलेगा, टेस्ट ही नहीं होता कुछ, कोई टेस्ट नहीं उसका। अब मिट्टी में कोई टेस्ट है? मिट्टी खा, मिट्टी में कोई टेस्ट नहीं है, आम के गुठली में कोई टेस्ट नहीं, ड्राई सीड में तो कोई टेस्ट नहीं, पानी में टेस्ट है, पानी में कोई टेस्ट नहीं, और आम में कैसे टेस्ट आ गया, कैसे टेस्ट आ गया? मिट्टी इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल में टेस्ट है नहीं है। अब हलवा बना दो बिना चीनी का, मीठा सा आ ही रहे, रॉ मटेरियल में अगर टेस्ट नहीं है तो फाइनल प्रोडक्ट में टेस्ट कैसे आ जाएगा बाबा? आप प्रिंसिपल सोचो, दुनिया में आपको हम बिना रॉ मटेरियल देते, मिट्टी देते, आम का सीड देते, पानी देते, आप आम निकाल दोगे? पता निकाल पाओगे कोई? वही मिर्चा का सीड लो, मिर्चा निकल जाता, वही वही मिट्टी है, वही क्या है, पानी है, और एक से मीठा एक से तीता, ऐसी किसी जैसी भिंडी सब्जी, गोभी सब्जी, कितना भी सब्जी खाया तो आप लोग के लिए भी लेंगे, इतना टेस्टी लगता है। मिट्टी में टेस्ट नहीं, पानी में टेस्ट नहीं यार, सीड में टेस्ट है, सीड आ कहाँ से रहा है? तो आप सोचिए इसके बारे में, सोच रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग खाए तो किसकी कृपा से खाए? प्रकृति किसके, किस कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। तो भगवान की कृपा से क्या मिला हूँ? खाना मिला। पानी किसकी कृपा से मिला? ये पानी है, किसकी कृपा से मिल रहा है? पानी भगवान की कृपा से ले, हवा कहाँ से ले? भगवान। अब आप बताइए, मान लीजिए रंजीत तू है, ठीक है, अभी रंजीत एक घर बना रहे हैं, मान लीजिए लैंड लिया, आपका घर किधर है? मधुमनी में आपका लैंड होगा, तो लैंड में आप मान लीजिए कुछ कारीगर को पैसा दे के सामान दे दिया, मिट्टी दे दी, गिट्टी दे दी, रड दे दिया, और घर बनाया, तो घर लेबर का होगा क्या आपका? हुआ आपका लेबर का हो गया क्या? हाँ, सामान आपने दिया तो आपका घर है, isn't it? वैसे ही यह जो हमारा बॉडी, इसमें सामान कौन दे रहा है? खाने का, हवा कौन दे रहा है, पानी कौन दे रहा है? हम लोग खा के बड़े हो गए, शरीर किसका हुआ? को बोलते हैं नॉलेज, इट्स कॉल्ड इज फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज। इसका जो नॉलेज नहीं, वो मतलब बेकार है, तुम्हारा जीवन ही बेकार है। फर्स्ट नॉलेज कॉलेज में दिया जाना चाहिए बच्चों, तेरा शरीर नहीं, तेरा शरीर नहीं है, तेरे केयर में भगवान ने दिया। अब गाड़ी सोचो को मेरी है, कैसे भी चलाओ, आप गाड़ी किसी केयर में आपको दी गई है, आप समझ से चलाओ, नियम से चलाओ। तो ये बॉडी किसने दी है? भगवान ने दी। हम लोग सोचते किसकी बॉडी है? तो बॉडी भगवान ने, तो किसके साथ चलानी चाहिए? भगवान। तो जो आदमी भगवान के साथ नहीं चला, कैसे हैप्पी हो सकता है? भगवान क्या से चलाने बोले भी नहीं जानते हम लोगों को, ये भी जानकारी नहीं बॉडी कैसे चलानी है, तो आदमी हैप्पी रहेगा? हैप्पी रहेगा? फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू भगवद गीता नॉलेज इज, भगवान अर्जुन को बेस ही सिखा रहे, अर्जुन तुम, मैं तुम्हारा बॉडी का कंट्रोलर, मैं सब कुछ हूँ, मेरे हिसाब से काम करो, हैप्पी रहो। दिस इज द स्पिरिट ऑफ जन्माष्टमी, टीचर्स दिस स्पिरिट, गॉड कम्स टू दिस। हम लोग फॉरगेटफुल होके भगवान के अनुसार नहीं जी रहे हैं, दुखी हैं। जैसे मैं भक्ति में नहीं आया था जब, तो अपने मन से मास्टरबेशन करते रहूंगा, उल्टा पुल्टा देखते रहूंगा, ये देख लूंगा, ये कर लूंगा, झगड़ा करते रहूंगा, बट आई विल नेवर बिकम हैप्पी। थोड़ा बहुत हैप्पीनेस का फीलिंग आया, बट मैं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस फील नहीं। फिर मैं जब गीता पढ़ा और भगवान के हिसाब से इंक्लाइन करने लगा, कुछ भी खाता फिर भगवान को भोग लाया कि नहीं, भगवान आप दे रहे,
तो हम जाके मेरा बॉडी हेल्दी होना चालू हो गया, मेरा साइनस खत्म हो गया, मेरा रिलेशनशिप सबसे अच्छा हो गया, मतलब आई स्टार्टेड लविंग एवरीबॉडी, एवरीबॉडी स्टार्टेड लविंग मी। उससे पहले मैं सबको एक्सप्लोर करना चाहता था, जो भी सब मेरे हिसाब से चल रहा है, तो दुनिया किसके साथ चलेगा, मैं कंट्रोलर हूँ सब। मैं टॉपर था यूनिवर्सिटी का, लेकिन मेरा मन में ही सब विचार था मेरे साथ दुनिया चलनी चाहिए, मैं दुखी रहता था। यूनिवर्सिटी टॉपर हो गए, मैं क्या रहता था, भगवान के अनुसार जीने लगा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, बट मोस्ट हैप्पी रहता हूँ। कुछ भी नहीं मेरे पास, अभी एक भी पैसा नहीं रखता, जो मिलता है तुरंत मैं जमा कर देता, बट अभी मोस्ट हैप्पी रहता, मेरे पास के एक भी पैसा नहीं, जो है वन मनी, एक रुपया भी है मेरे पास, एक रुपया भी नहीं, बट आई एम मोस्ट हैप्पी। समझ रहे हैं, भगवान है वैसा, उनके हिसाब से जीवन जी रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं यहाँ पर आया, फिर भगवान का नियम है कि दूसरों को भी बैठना चाहिए, केवल अपने ही नहीं करना चाहिए। मैं इतना दूर क्यों आया, कि भगवान की इच्छा है कि आपको अकेले क्यों कर रहे हो, दूसरों को भी बांटो, अकेले क्यों फायदा उठा रहे हो, आप ही क्यों हैप्पी हो। समझ रहे हैं, जैसे मैं 20 किलोमीटर चल के आऊँगा, रोड भी इतना उतना अच्छा नहीं है, तीन चार जगह एकदम दिया। समझ रहे हैं, रात को जाते समय हम तो 9 बजे सोने का आते थे, हम लोग को 8-9 बजे सो जाता हूँ। समझ रहे हैं, तो सोना पड़ेगा 12 बजे। समझ रहे हैं, बट चूंकि मैं भगवान को प्लीज कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अंदर से क्या फील होती है, बहुत लोग को मैं जब गाइड करता हूँ, फिर आके लोग बोलते हैं कोई थैंक यू, आपने मेरा जीवन बचा लिया। कुछ साल बाद वो लोग आके बहुत ग्रेटफुली रोने लगते हैं कि पूजा आपने इतना मैं गाइड किया, थैंक यू। समझ रहे, तो वो जो सेटिस्फेक्शन फील होता है, जैसे एक लड़का था भी बताया था, अभी पास आउट हो रहा था 4th ईयर में, 4 साल का कोर्स होता है हल्दिया कोर्स बीटेक में, तो 1 साल पहले आया था, पूरा मवाली था, मवाली समझते, गुंडा मवाली, दिल्ली का था, दिल्ली वाला हवा था, समझते, एक नंबर का बदमाश, गाली गलो सब तरह से, मतलब किसी प्रकार से वो वॉइस, उसका दोस्त आया था, वो नहीं आया था, उसका दोस्त आया था तो वो भी उसको छोड़ने आया था, तो उसको अच्छा लगा देख के जगह साफ सुथरा, हम लोग रोज सफाई करते जगह का, मतलब चकाचक रहता है, आप लोग का रूम में घुसा तो मेरे को लगता है वोमिट हो जाएगा जब मैं घुसा था, अभी तो ठीक है थोड़ा, समझ रहे हैं, मैं से घुसा ही नहीं जा रहा, इतना आप लोग गंदा रहते जो है बता देता हूँ फ्रेंकली, आप लोग बोले बहुत गंदा रहता है। तो जो भी प्रिंसिपल बता रहा हूँ, फिर भी बहुत साफ है, मैं इससे भी गंदे गंदे जगह गया हूँ, और हॉस्टल्स में तो इससे भी गंदा रहता है। समझ रहे हैं, जब मैं गया था 2006-07 में प्रचार करता था AIT कॉलेज में पुणे में, वहाँ मैं हॉस्टल में रुकता था, मैं ये उस समय काम करता था IBM कंपनी में, 7 बजे तक कंपनी में काम करता, 7:30 तक काम करके निकलता था बाइक से, जाने में 20 किलोमीटर, 1 घंटे जाने में लगता, 8:30-9 पहुँचूंगा, मैं बच्चों से बात करता था, ये बात करना बहुत जरूरी है, लोगों से बात करते उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते, तो फिर क्लास में बहुत बार नहीं पूछ पाते लोग प्रॉब्लम, छोटे से क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन बड़ा क्लास में नहीं हो पाता। कल जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में कल क्लास दिया, तो बहुत सारे लोग तो कैसे सबका आंसर, तो मैं जाता था हफ्ते में 2-3 दिन जाता, कंपनी से जाता था, उनके साथ ही सोता था रूम में, और रूम में बच्चा लोग गजब गए, एक लड़का भगवान का फोटो लगा रहा है, 3 लड़का एक रूम में रहता था, बड़ा रूम था, ऐसे डबल साइज का होगा, एक लड़का भगवान का रूम, एक लड़का लड़की का फोटो लगा रखा, एक लड़का क्रिकेटर का, समझ रहे, 3 लोग 3 फोटो। तो हम जिस रूम में सोते तो बोलता प्रभु जी आ गए, मैं उस समय सेट पेट में रहता था, कंपनी में काम कर रहा था, फिर भी सोचता था कुछ साधु टाइप का आदमी है हमारे रूम में, तो हमको मतलब शर्मा जाता था, गुरु नहीं नहीं तो क्या करता था, वो लोग पर्दा लगा देता था, प्रभु जी आ गए तो हमारे तरफ ना देखे, मतलब हम लोग अलग दुनिया में, तो जो भी है, तो मैं जाता था कॉलेज में प्रचार करता था, रात को 12-11 बजे सोने, 4 बजे उठना, फिर वहीं पर जब करना, फिर उधर से ऑफिस भागना पड़ेगा, फिर मेरा खाना लेके, बिकॉज बाजार में तो हम लोग खाते नहीं है, तो मेरा कोई स्टूडेंट फ्रेंड जो मेरे साथ कंपनी में काम करता था, वो मेरे लिए प्रसाद लेके आता था टिफिन में, तो बहुत बॉडी तो पूरा एकदम एग्जॉस्ट हो जाता था,
लेकिन आत्मा पूरा अंदर से, वो बहुत सारे वो सब बच्चे अभी अच्छे लाइन पकड़ लिए, समझ रहे हैं, अभी बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है, क्या फील होता है, ये पैसे से नहीं हो सकता। अरब रुपया कमा के कोई ऐसा सेटिस्फेक्शन, समझ रहे हैं। तो वो जो आप पॉइंट बता रहे हैं कि उसको पैसा नहीं, उसको तो हमेशा लग रहा है वो मिलेगा, तो उसको साधु संकल्प, जो साधु को देखेगा कि कुछ बिना हैप्पी रहता है, बिना कुछ उड़ रहा है, उसको फीलिंग आता है कि कुछ इसमें है। 2003 में मैं जब लाइफ में टॉप कर गया यूनिवर्सिटी सब कुछ, अंदर से मैं वो सेटिस्फेक्शन नहीं फील हुआ। तो मैं जब घर गया था थर्ड सेमेस्टर के एंड में, तो उस समय मेरे घर में एक साधु आए थे, मेरे पापा बहुत पायस, कोई भी साधु को बुला लेते हैं, मेरे को उस समय तक साधु से चिढ़ हो गया था, साधु से मैं वो चिढ़ था, क्योंकि मैं देखता था साधु वो चीटिंग करता। मैं जब छोटा बच्चा था और वो मंदिर ले जाते थे, लेकिन मेरे पापा को चिढ़ नहीं था, उनको बहुत अच्छा लगते थे, लेकिन मैं उनको दिखाया, देखिए पापा, पापा बोलते पाँव छू, क्यों देते थे, हम अच्छा भी लगता खाना, कुछ प्रसाद भी देते थे मेरे को पंडित जी। फिर मैं देखता था कभी कभी पंडित जो प्रसाद बांट रहे पाँव छू रहे उन लोग का, वो एक सिगरेट फूक रहा, क्या फूक रहा है वो। अभी मैं चित्रकूट गया था कुछ दिन पहले, मैं देखा वहाँ पर, मैं जब मैं मंदाकिनी में स्नान करके सुबह बैठ के जब, तो मैं 2 घंटा जब किया, तो मैं 2 घंटा जब किया, फिर उसके बाद मेरा भी ऐसे ही हुआ, मेरा कलेजा में एकदम ऐसा फट गया, समझ रहे हैं, एकदम सही टाइम पे बजा है वो, पूरा खोल देना कोई दिक्कत। और भगवान आवाज की है बताने के लिए कि मेरा हृदय में ऐसा आवाज हुआ था, जोर से आवाज हुआ, कहा हो गया रे, देखे कहा हुआ, देखे दूर तो साधु मेरे पीछे बैठा था 5-7 मीटर का दूरी पे, और लाल कपड़ा में बैठ के इतना बड़ा तिलक लगे वहां पर, गुड वो क्या बोलते हैं, हुक्का पी रहा था। हम लोग पास वीडियो है, हाँ वीडियो है ना उसका, अब यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं वो लोग, गांजा नहीं हुक्का, हुक्का पी रहा था, मेरे को नहीं पता जो भी हो, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसे स्टैंड लगा के, स्टैंड ऐसा कोई स्टैंड, मैं उतना ध्यान नहीं दिया, मेरे को जब करा था, लेकिन मैं बहुत बुरा लगा, मेरा कलेजा रोने लगा। सोचो दुनिया के लोग साधु पे विश्वास करते हो, साधु लोग ऐसा कर रहा, तो उसके कारण मेरा साधु पे भरोसा नहीं था। पापा मेरे को तो यानी सब पापा साधु को मानते थे, पापा साधु को बुलाए थे। एक दिन रात को 1 बजे मेरा नींद टूट गया, समझ रहे, मैं ऊपर वार्ड हिसाब साफ कर रहा था, बाहर आया तो देखा कहीं तो आवाज़ हो रहा है, हमारे घर में 2 फ्लोर है, तो नीचे फ्लोर में सोया हुआ था, ऊपर फ्लोर में देखा कहीं तो ऊपर फ्लोर में लाइट चला, आवाज़ आ रहा। मैं हॉल, बड़ा हॉल हम लोग का हॉल है रूम घर में, हॉल को खोला मैं, देखा बाबा जी जो थे पुजारी जो साधु जी, रात को 1 बजे कुछ तो छोटे पत्थर लेके ऐसे आवाज करके कुछ गा रहे थे। मेरे को इतना मधुर लगा पहली बार जीवन में, क्योंकि किसी के लिए नहीं गाए थे, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं गा रहे, किसके लिए गा रहे होंगे, भगवान के लिए गा रहे हो, तो इतना अच्छा से गा रहे थे भगवान का नाम, एकदम हल्के में अंदर चला गया, ये आदमी कुछ तो हैप्पी है, बहुत अच्छे से हम स्वीटली गाए थे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल श्रीदेव की नंदन श्याम हरे श्रीदेव की नंदन हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। तो मैं जब सुना वो किसी, मैं 15 मिनट तक सुनते रह गया, इससे पहले मैं वो कीर्तन से चिढ़ था, जाता नहीं था, मैं IIT का पढ़ाई करता तो मैं घर में होता तो भाग जाता, लेकिन उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं देखा वो साधु किसी के लिए गा नहीं रहे, वो किसी भगवान के लिए गा रहे, तो कोई नहीं देख रहा था उनको, यूजुअली कोई दिखाने के लिए गाता ना कुछ लोग, वो तो किसी को नहीं दिखा रहे,
तो फिर उन्होंने मतलब मैं उनका पांव दबाता था, मैं छोटा उस समय बस्तर में था, वो साधु थे, मेरे को थोड़ा ट्रस्ट आ गया और पांव दबाता था, वो उतना साइंटिफिक आंसर नहीं दे पाते थे, मेरे को साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा उतना, लेकिन उन्होंने मेरे को दो पॉइंट बताया, उन्होंने बोला कृष्णा इस कृष्णा जो है भगवान है और को प्राप्त करने का तरीका है नवधा भक्ति। मुझे समझ में नहीं आया उस समय, नहीं मैं उनका सेवा किया, फिर बी एच यू जैसे ही गया तो मेरे को डिवोटी लो रूम में आए, सेमिनार कर रहे थे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल सब, तो मैं किया, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर मैं गीता लिया पढ़ने लगा तो धीरे धीरे करके फिर तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड में इतना मिजरीज जो है, दुर्गा मैया मिजरीज दे रही, बट द सेम टाइम वर्ल्ड में बहुत लव केयर भी है, एनिमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इज इट साइन ऑफ लव ऑफ गॉड, इज इट साइन ऑफ हेटेड ऑफ गॉड। इसका मतलब भगवान हमसे प्रेम भी कर रहे हैं बट हमको कुछ चीज सिखाना चाह रहे, क्या सिखाना चाह रहे, मेरे हिसाब से जीवन जी सुखी रहोगे, माँ बच्चा जो है वो करेला नहीं खाना चाहता है, भिंडी नहीं खाना चाहता है, लौकी, मैं कोई हरा सब्जी नहीं खाता था, केवल आलू खाता था, मैं जब छोटा बच्चा था तो केवल एक ही सब्जी खाता था, क्या को छोड़ के मैं बॉयकॉट करूँगा, हरा सब्जी तो बॉयकॉट नहीं खाना। अब मेरे मम्मी को डांटता था खा लो बेटा खा लो अच्छा रहेगा, लेकिन हम हरा सब्जी तो, अब मेरे मम्मी डांट रहा किसके भला के लिए, नहीं हम सुनेगा वो क्या खाना, आ खाना है तो आलू ही खाना, मेरे को लगा मम्मी इतना क्यों मेरे को परेशान कर रहे, मम्मी परेशान कर रहा था क्या। तो वैसे भगवान इस दुनिया में, मान लो मम्मी जान बूझ के खिला रहा है या कुछ तो अच्छा है ना मेरे लिए भाई, क्योंकि हम लोग नहीं नहाते तो मम्मी क्या कर जबरदस्ती ठंडा में पकड़ के, तुम मेरे तक जबरदस्ती आपको मम्मी नहलाई कभी, मेरे को तो मम्मी नहलाई, आप लोग कभी किसी ने, कितने लोग मम्मी ने कभी नहलाया, ओ जो पहला मग डालते थे ना हार्ट अटैक आया था समझे, खासी जाड़ा में, अभी गर्मी में कोई दिक्कत नहीं, जाड़ा में डालता था आ लगता मेरे दुश्मन है ये, नहीं नहा लेने के बाद फिर सज लेने के बाद फिर क्या लगता था। तो वैसे भगवान भी हमें सिखाना चाहते दुनिया में, जैसे अर्जुन को सिखाए थे, अर्जुन भगवान के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, अपने मन से चलना चाहते, हमने युद्ध करे तो भाई तुम नहीं युद्ध करे तो धर्म का स्थापना कैसे होगा, दुर्योधन लोग अधर्म का प्लेटफॉर्म को बढ़ाएगा, नहीं अर्जुन इमीडिएट को उसको कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं लगा। तो लॉर्ड इस दुनिया में आते हैं समझ रहे हैं, हम लोग को सही मार्ग में लाने के लिए, यदा यदा ही ला निर्भवती अभ्युत्थान अधर्म, भगवान का जन्म होता सही ट्रैक पे लेके आने, समझ रहे हैं। तो दिस स्पिरिट ऑफ जन्माष्टमी, कब मैं भगवान के नियम से अपना लाइफ को अलाइन करूंगा, कब मैं भगवान के नियम से अपने लाइफ को अलाइन, एवरी डे यू कैन सेलिब्रेट जन्माष्टमी, बट उस दिन में कुछ समय का बहुत अनुकूल इफेक्ट होता है, समय का क्या होता है कुछ, तो उस दिन थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अगर हम लोग भगवान का शेल्टर लेना आसान पड़ता, दिन भगवान ज़्यादा मर्सी देते, बट दिस इज द स्पिरिट ऑफ जन्माष्टमी, लेट मिले सुर मेरा, भगवान के सुर से सुर जो मिलाते हैं उसको बोलते हैं सुर, और जो भगवान के सुर से नहीं मिलाते सुर उसको बोलते हैं असुर, तीसरे कैटेगरी के पीपल होते हैं ससुर तो दे सुर असुर एंड तो एनी हाउ मजाक है, बट पॉइंट इज दैट, तो सुर लोग हैप्पी रहते हैं क्या?